जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों। आज हम लोग शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर और प्राइमरी के लिए महाभारत सीरीज के अंदर विविध जीएस और ईवीएस के 50 नंबर की सीरीज में भारतीय संविधान में आज हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और आगामी संसद को मिलाकर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप इलेनी विद दुर्गेश प्राचीन में गेस्ट फैकल्टी के रूप में प्रतिदिन निःशुल्क रात 9:30 बजे जीएस की महाभारत सीरीज लेकर आता हूँ। मेरा एकमात्र उद्देश्य है आपका अंतिम रूप से सहायक अध्यापक या अध्यापिका के रूप में पद में आपको नियुक्ति पत्र आप तक पहुँचाना है, लेकिन उसके लिए आप सभी को मेहनत करना होगा, इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर आप एक सरकारी नौकरी के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, कलम की जब आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे तभी हम हर तथ्य को समझेंगे, पढ़ेंगे और साथ ही साथ उसके महत्वपूर्ण तथ्यों को लिखते चलेंगे। क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल दिए गए प्रश्न का विकल्प ही नहीं बताना है, बल्कि इसकी विस्तृत व्याख्या करना है, ताकि आपकी थ्योरी के माध्यम से एक बेहतर नोट्स तैयार हो जाए। तो बिना देरी किए अब हमें कक्षा की शुरुआत करना चाहिए। तो जय हिंद मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वीडियो में जुड़ते जाइएगा और अपने जिले का नाम लिखते जाइएगा और साथ ही साथ एक बार जय हिंद बोल के शुरुआत करिएगा, यकीनन आप बेहतर स्कोर करेंगे। पहला प्रश्न आपके डिस्प्ले पर दिख रहा होगा कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं व्यक्ति का यह प्रश्न गलत नहीं होगा कि भारत का जो प्रथम नागरिक है या प्रथम नागरिक होता है वो कौन होता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जो भी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी मित्रों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को फटाफट कमेंट के माध्यम से जवाब जरूर देंगे। जी हाँ मेरे साथ सही, एकदम सही जवाब आ रहा है। जी हाँ लगे रहिए मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, क्योंकि आप लोगों ने एकदम सही जवाब देना शुरू किया है। अगर भारत का प्रथम नागरिक की हम बात करें तो जो भारत का प्रथम नागरिक है वो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बिना समय गंवाए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम असमी कौन था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, असमी कौन था। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी साथी फटाफट जरूर कमेंट करिए, जरूर से एकदम, सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, जरूर से फटाफट कमेंट करिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा, जल्दी से, असमिया राष्ट्रपति पूछा है, ठीक है। सभी साथी फटाफट कमेंट करिए, सभी साथी फटाफट गलत या सही जब भी लोग जवाब जरूर दीजिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ऐसे लगे रहिए और अपना बेहतर देते रहिए, यकीनन आप सफलता के एकदम नजदीक पहुंच जाएंगे। देखिए यहाँ पर अगर ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति कौन है, अब्दुल मलक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, फखरुद्दीन अली अहमद है। इसमें अगर राष्ट्रपति देखा जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद है, और फखरुद्दीन अली अहमद के समय भारत में सबसे पहले जो राष्ट्रीय आपात लगी थी पूरे भारत में वो उस समय कब लगी थी, जिसमें फखरुद्दीन अली अहमद क्या थे, देश के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न आपके बीच है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जी हाँ फटाफट कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करके। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, किस अधिकारी की नियुक्ति प्रधानमंत्री की राय पर की जाती है, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। 9:30 बजे प्रतिदिन अलार्म लगा लीजिए, सिलेक्शन वाली क्लास 9:30 बजे आपकी चलती है। अगर आपको सरकारी नौकरी करना है इस वीडियो के अंदर तक आपको बने रहना होगा और अपना बेस्ट देते रहना होगा। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश की अगर नियुक्ति की बात किया जाए तो भारत का प्रधानमंत्री की राय पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों की नियुक्ति, राज्यों के राज्यपाल, इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उपयुक्त विकल्प होगा ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी, माने इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो डीज प्रश्न का राइट आंसर होगा। जिन साथी मित्रों ने, साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से क्या है, सही है, माने डी वालों का राइट आंसर होगा, क्लियर। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल केवल आपका सिलेक्शन है। समझ में आ गया आप लोग को। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इसमें किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं आप जरा से वीडियो को सबसे पहले लाइक करने के बाद सभी साथियों को शेयर कर दीजिए, इतना काम जरूर करिएगा,
सभी साथी जल्दी से चलिए बताइए, सभी साथी फटाफट कमेंट करें, जल्दी जल्दी बताइए, सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं। राष्ट्रपति बता हूँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देखिए अगर यहाँ पे देखा जाए तो राष्ट्रपति के 52 में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन अगर वह राष्ट्रपति जो संवैधानिक प्रमुख होगा, लेकिन अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यता की बात की गई है। अगर देखा जाए संविधान के अनुच्छेद बनने कर उसके पास योग्यता है और 35 वर्ष की आयु पूरी कर रहा है, वह पागल है, दिवाली नहीं हो, भारत का नागरिक है, उसके पास 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक हैं, तो भारत का राष्ट्रपति के रूप में वह अपना निर्वाचन पेश कर सकता है, वह उम्मीदवारी कर सकता है, वह चुनाव लड़ सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है, इसलिए लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। किसका? लोकसभा का। कुछ लोगों ने संसद का सदस्य बताया, संसद के 2 सदन होते हैं, कौन कौन? एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो सदस्य किसका होना है? इसकी योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का होना चाहिए। अगर उपराष्ट्रपति होता तो दिए गए प्रश्न का उत्तर गलतियां ना करें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर आ गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच 2 लोगों को मनोनीत करता है। एकदम आसान प्रश्न है, मैं चाहूंगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। जो भी साथी मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहला निवेदन है कि वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कार्य शिक्षक बनना है, आप लोगों ने सपोर्ट किया, अगर आप लोगों ने वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाया तो हम जल्दी आपके लिए करंट अफेयर की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो आज हम देखना है कितने साथी जो ये चाहते हैं कि हम करंट अफेयर की क्लास शुरू करें। जी हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएंगे, जिस दिन आप संख्या 1000 प्लस कर देंगे उस दिन से मैं करंट अफेयर की एक बड़ी से कराऊंगा, जहां से आपके बाहर उस परीक्षा में नहीं आएगा। जी हाँ, देखिए राष्ट्रपति लोकसभा में एग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 331 में, ध्यान दीजिएगा, संविधान की अनुच्छेद 331 में यदि राष्ट्रपति की राय में लगता है कि लोकसभा में यदि पर्याप्त रूप से आंग्ल भारतीय एग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं है तो 2 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसे अच्छी तरह से जानते रहिएगा, समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अच्छा, यहाँ पे अनुप जी ने कहा है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, चलिए मैं वो भी बता दे रहा हूँ, 104वां संविधान, जी हाँ अनुप जी ने भी कमेंट किया है, संविधान संशोधन, जी हाँ एक टाइप और लिख लीजिएगा, संशोधन अधिनियम, अधिनियम, जी अनुप जी आपने पूछा तो लिख लीजिएगा। देखिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधान में जो एग्लो इंडियन थे उनके नामांकन के प्रावधान संबंधित समय सीमा को आगे न बढ़ाए जाने का प्रावधान किया गया। इस प्रकार लोकसभा तथा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के मनोनय की व्यवस्था समाप्त हो गई है। मतलब अब अगर आपकी परीक्षा में आएगा तो 104 के बाद अब यहाँ पे मनोनय की व्यवस्था समाप्त हो गई है, लेकिन अगर ये 331 में आएगा तो क्या होगा लोकसभा में, क्या होगा लोकसभा में, लेकिन अगर अनुच्छेद 333 होता तब क्या होता विधानसभा में, क्या होता विधानसभा में आंग्ल भारतीयों की मनोनीत की बात कहाँ पे कहा गया है, अनुच्छेद 333 में कहा गया है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, आप लोग इस तरह जुड़े रहिएगा, अपना बेस्ट देते रहिएगा और यकीनन हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जिस दिन आप लोगों 1000 से प्लस संख्या कर देंगे उस दिन से, अगले दिन से हम करंट अफेयर की रटलो मास्टर सीरीज शुरू करेंगे। जी हाँ, ये आपका दायित्व है, कितनी जल्दी आप इसका सपोर्ट कर करंट की सीरीज शुरू करवाते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, देखिए इसका जो अनुच्छेद भी पूछ सकता है, यह वीडियो निःशुल्क राष्ट्रहित में देश हित में, मैं आपके लिए प्रतिदिन लाइव 9:30 बजे आता हूँ। मेरा उद्देश्य है आपको सरकारी सीट बनाना। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, ठीक है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, लेकिन अगर अनुच्छेद 81 की बात किया जाए
तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है ना, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगर प्रश्न में आ जाए कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है संसद, तो ध्यान दीजिएगा, दो आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय किसमें? अनुच्छेद 331 के तहत, और यहां पर अनुच्छेद 81 के तहत 12। तो 12 लोग को, थोड़ा उल्टा हो गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना? 12 लोग को राज्यसभा में किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 81 के तहत। इस प्रकार संसद में राष्ट्रपति कुल 14 लोगों को मनोनीत करता है। देखिए आपके भर्ती परीक्षा में अलग अलग तरह के प्रश्न आते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा, किसके आधार पर साहित्य, विज्ञान, कला, सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान और साथ ही कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर को देकर खेल को भी सम्मिलित कर लिया गया, इनमें उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए राष्ट्रपति सदस्यता उन्हें मिल जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए। अन्य बात को ध्यान दीजिएगा, हमने देखा प्रश्न कैसे कैसे परीक्षा में आएगा। एक बार ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपको समझ में आया तो नोट डाउन जरूर करिएगा। देखिए 331 के तहत दो लोगों को लोकसभा में, कहाँ पे? लोकसभा में राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता है, जबकि अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को अनुच्छेद 81 के तहत मनोनीत करता है। तो यहाँ पे दो अनुच्छेद हो गए, कुल कितना मनोनीत करता है? तो 14 सदस्यों की मनोनीत करता है। तो यकीन बताइए, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी जरा फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट कर जवाब देंगे, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिए ताकि हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। फटाफट कमेंट करिएगा, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करिए मेरे मालिक सभी साथियों, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कब कक्षा में बैठे हैं मेरे। भले वीडियो को मत शेयर करिए, मत लाइक करिए, क्योंकि हाँ आप लाइक नहीं, आप लाइक करने के लिए कहा नहीं जाएगा, क्योंकि आप लोग जो है कितना भी कहिए आप लोग अपने आदत से मजबूर होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न का उत्तर ए होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो कर लें। अगला प्रश्न आपके बीच है, राष्ट्रपति, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन निम्नलिखित किस देश में सर्वोत्तम है? सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन किस देश में सर्वोत्तम है? ये लाइव क्लास चल रही है तो फटाफट सभी लोग पढ़ते रहिएगा। जी हाँ चलिए, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया ईश्वर करे वो दिन दोना रात चौगुना आगे बढ़ते रहें, जितने वीडियो को शेयर है, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक, भगवान उनकी बुद्धि, विवेक, उनका भविष्य इसी तरह से बनाए रखे, क्योंकि वो उसी योग्य हैं। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं, राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन किस देश में सर्वोत्तम है? जब देश की बात की जाए तो जैसे हमने अभी देखा हाल ही में वहां पे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है, तो वहां पे राष्ट्रपति स्वरूप की सरकार का निष्पादन है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ये प्रश्न, अभी अभी अमेरिका में चुनाव हुआ है, इसलिए इस बात को आप सभी को जानना होगा, इसलिए यहां से प्रश्न आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, संविधान में हिंद में किस किस्म की इमरजेंसियों की शाखाएं मौजूद है? माने संविधान के जो हिंद है भारत की, उसमें कितने प्रकार के जो है इमरजेंसी की व्यवस्था की गई है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे। देखिए अगर आपात उपबंध की बात करें तो जर्मनी के संविधान से लिया गया है, भारत में आपात उपबंध, संविधान के भाग 18 में वर्णित, ठीक है, किसमें है? भाग 18 में वर्णित है। अगर अनुच्छेद की बात करें, ठीक है, अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो जो अनुच्छेद है वह 352 से लेकर 360 तक तीन प्रकार के आपात की बात की गई है। अगर तीनों उपबंध की बात करें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी साथी, अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद मतलब जैसे जो आपातकाल लगता है देश में, चाहे वो सीमा सुरक्षा को लेकर हो, बाह्य आक्रमण को लेकर हो, 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात जो अभी तक देश में नहीं लगा है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जिन साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी का जवाब सही है, क्योंकि तीन प्रकार की इमरजेंसी भारत में है। ठीक है, क्या आप लोगों को यहां तक समझ में आया? कितने लोग ऐसे इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जिनको ये तथ्य
जिनको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया है, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, जो भी मेरे प्यारे साथी मित्र हैं वे सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए आप लाइक करें ना करें, क्योंकि जिस दिन आपकी संख्या 1000 हो जाएगी उस दिन सुपर टेट की महाभारत की मास्टर वीडियो शुरू करेंगे हम। करंट अफेयर की तैयारी शुरू हो चुकी है, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है अगर आप चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। किसमें है? भाग पुस्ता भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360, ये तीन प्रकार के उपबंध हैं, तीनों के बारे में मैंने बता दिया। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। देखिए ऑनलाइन किसी भी समस्या के लिए क्लास नोट्स ये लेने भी दुर्गेश की ऑफिस का नंबर है जो जौनपुर जनपद से चलती है, आप यहां से कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास देश हित में राष्ट्र हित में निःशुल्क चलती है, प्रतिदिन 9:30 बजे। अन्य सभी क्लास के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अन्य भी क्लासेज आपको लगातार मिलती रहेंगी, पीडीएफ नोट्स, फ्री क्लास, सब कुछ के लिए टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश। तो जल्दी से मेरे साथी मित्रों बताइएगा फटाफट कमेंट करके, मुख्य नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? सभी साथी फटाफट कमेंट जरूर करिएगा। देखिए यहाँ पे एकदम आसान सा प्रश्न है, मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति, केंद्र में कोई भी नियुक्ति आएगा आखमुन के राष्ट्रपति लगाइएगा, 80% सही होगा। लेकिन कहाँ पे दिया गया है? यह अनुच्छेद, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन किया गया है। इनका कार्यकाल कितना है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? जो भी मेरे साथी मित्र इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। एक प्रश्न यहां से भी आता है कि मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? जी हाँ, सभी फटाफट कमेंट करेंगे। एक प्रश्न किसी ने पूछा है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? कल का शायद आपने लेक्चर नहीं देखा था, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और निर्वाचित होने के बाद उसे शपथ ग्रहण देने कराने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करता है। चलिए कार्यकाल इसका देखा जाए तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। अगर वो 3 साल में 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेता तो 65, अगर वो 6 वर्ष की पूरी करता है तो याद रखिएगा 6 वर्ष या 65 हो जाएगा। जैसे अगर कोई 63 साल की उम्र में राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक बनता है तो 2 साल तक कार्यकाल रहेगा, लेकिन अगर 55 में हो जाएगा तो 6 साल के बाद से उसे हटना पड़ेगा। ठीक है, वर्तमान में मुर्मू है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसी तरह से आप लोग बने रहिएगा। ईश्वर करे जिस तरह आप यहाँ पे हल परीक्षा का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, परीक्षा हाल में भी करते रहें। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले। ठीक है, अगला प्रश्न आपके बीच है, यह वीडियो पेज यूट्यूब पे दोनों पर निशुल्क लाइव चल रहा है। यहां से देखिएगा उपराष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिन के अंदर भरना चाहिए? सभी साथी मित्र मेरे फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके जवाब देंगे। देखते हैं आज इस प्रश्न का सबसे सही जवाब कौन देता है, कौन ऐसा है, कितने ऐसे लोग हैं जो सरकारी शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी मित्रों, देखते हैं आज इस प्रश्न का कितने लोग सही जवाब देते हैं। अगर आपने जवाब नहीं दिया इस बात का बहुत ही दुख होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वाह मेरे प्यारे शिक्षक साथी, आज आप लोगों ने यह साबित कर दिया कि अभी आप लोग को मेहनत की जरूरत है, अभी आपको और पढ़ना होगा, इसलिए अभी लगातार पढ़ते रहिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति कहा गया है, अगर यहां पर राष्ट्रपति होता तब इसका उत्तर 6 माह होता, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति है इसलिए यह उत्तर नहीं होगा। यहाँ पे भारत के संविधान में, जी हाँ आप लोगों ने साबित कर दिया कि अभी आपको और मेहनत की जरूरत है, इसमें पर्याप्त समय भर जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में किसी भी निश्चित समय सीमा का आदेश नहीं है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। और यह जो आपने देखा है यह राष्ट्रपति के लिए है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न मेरे प्यारे इस देश के भावी अध्यापक अध्यापिकाओं, भविष्य में ऐसी गलती मत करिएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ 9:30 बजे कॉपी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, तो नजर मत हटाइएगा। ठीक है, नहीं तो दुर्घटना घटी। राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए भारत के संविधान में कोई भी विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी मित्रों, उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए किसी प्रकार का कोई भी विशेष प्रावधान नहीं है, बस जल्दी से जल्दी भर लेना चाहिए, इतना ही भारतीय संविधान कहता है।
आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपकी जिम्मेदारी वीडियो को शेयर करना करना, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, ध्यान दीजिएगा यहां पे बार बार कहूंगा गलती मत करिएगा, ठीक है अनुज जी, हाँ कोई बात नहीं, वह निर्वाचक मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, सभी साथी मित्र जल्दी से फटाफट करें, वह कौन सा निर्वाचक मंडल है, ध्यान से देखिएगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, निर्वाचक मंडल, देखते हैं कौन इस प्रश्न का सही जवाब देता है। कितने ऐसे साथी मित्र हैं जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं जोरों पर। चलिए अगर आप नहीं जवाब देंगे तो हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। देखिए इसका वर्णन संविधान की अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की बात कही गई है। ये संसद के दोनों सदन, जी हाँ इसका मतलब क्या है, संसद के दोनों सदन, दोनों सदनों, जी हाँ, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर निर्वाचक मंडल द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन मत देने वाले मंडल सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। यह बात याद रखिएगा, फिर भविष्य में गलती मत करिएगा, जितनी भी गलतियां करना है मेरी क्लास में गलती करिएगा, भविष्य में कोई गलती मत करिएगा। मेरे प्यारे साथ निवेदन करूंगा यहां पर जितनी गलतियां कर लीजिए, लेकिन परीक्षा हाल में एक भी गलती नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा केवल मतदान करते हैं। अगर देखा जाए तो अनुमोदक जो होते हैं, अनुमोदक 20 होते हैं और प्रस्तावक भी 20 होते हैं, जबकि राष्ट्रपति की बात करता तो 50-50 होते हैं, लेकिन यहाँ पे उपराष्ट्रपति है तो 20-20 होते हैं, जबकि अगर राष्ट्रपति की बात की जाती तो राष्ट्रपति में अनुमोदक की बात की जाए तो अनुमोदक कितने होते हैं, 50, और प्रस्तावक भी 50 होते हैं, ठीक है। यह बात आप लोग जानते रहिएगा, फिर भविष्य में कोई गलती नहीं देगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे ही लगे रहिएगा दे दनादन सुपर टेट में। हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जी हाँ मेरे प्यारे इस देश के भावी अध्यापक का अध्यक्ष कौन होता है, जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करिए, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों फटाफट कमेंट करिए, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिए, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए जल्दी जल्दी। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, देखिए, जी हाँ देखिए, राज्यसभा अध्यक्ष होता है उस सभा का सदस्य नहीं होता, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अभी भी कुछ लोग ने गलतियां की हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तरपति होगा उपराष्ट्रपति, ध्यान से ध्यान सुनिएगा। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष, उस सदन का सदस्य नहीं हो, इस प्रकार इसका उत्तर उपराष्ट्रपति होगा। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा होता है जो उस सदन का सदस्य होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नाते नहीं मिलता, इसे जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति, पदेन सभापति के में उपराष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलता है, और भारत उच्च सदन, इसे हम क्या कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, इसका ध्यान से देखिएगा, उच्च सदन, इसका वर्णन कहाँ किया गया है, यह संविधान छेद 89 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है, यह पदेन सभापति होगा, कोई द्वारा किया जाता है, और अनुच्छेद 91 में सभापति का पद रिक्त हो, जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा हो तब उपसभापति या उपसभापति का पद भी रिक्त। राज्यसभा का ऐसा कोई सदस्य जिसको राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे, मीटिंग का संचालन करेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे ये राज्यसभा है था वकैया नायडू है, मान लीजिए कोई ए व्यक्ति था, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गया, कोई उपसभापति था वह भी इस मीटिंग को प्रयोजन करने के लिए उसे सदस्यता दिला सकता है, या राज्यसभा का
कार्यवाहक पदेन सभापति के रूप में रहा है और वर्णन संविधान के अनुच्छेद 91 में किया गया है और राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती, यह बात आप लोग जानते हैं, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक छोटा सा ट्रिक। राज्यसभा क्या हो गया, राज्यसभा इसका अनुच्छेद हो गया 80, ल से हो गया लोकसभा, क्या हो गया लोकसभा इसका अनुच्छेद हो गया 81। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, को ये जीवन में कभी अगर समझ में को लाइक करने के बाद अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा। जिस दिन आपकी संख्या 1000 पार हो जाएगी उस दिन हम करंट अफेयर की मास्टर वीडियो शुरू करेंगे, हफ्ते में 2 दिन, उसमें सारा शिक्षक भर्ती। यहाँ पे वीडियो को 3 बिंदु पे क्लिक करें, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें और जैसे वीडियो क्वालिटी बढ़ाएंगे आपकी संसद अनुच्छेद 79 में अनुच्छेद आपके परीक्षकों से महत्वपूर्ण है, जो मैं आपको यहाँ पर रिविजन के रूप में। देखिए नेटवर्क इशू की वजह बफरिंग हो रहा है तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच है, भारत की उपराष्ट्रपति कौन। अच्छा इसे मैं बदल, राज्यसभा के चेयरमैन। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं कि जो राज्यसभा कौन है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके जरूर बताएंगे कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। साथी फटाफट कमेंट करिए राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। मित्र फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें राज्यसभा का चेयरमैन कौन है। सभी फटाफट कमेंट करें। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, फटाफट कमेंट करिएगा राज्यसभा के चेयरमैन। देखिए राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है। चेयरमैन का मतलब है यहाँ पे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसलिए दिए गए प्रश्न पर फार बलिया होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर वी होगा। जी हाँ ऐसे इसी तरह लगे रहिएगा एकदम। सभी साथी फटाफट कमेंट करते रहिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं इतनी मदद करिए, अगर आपको पसंद आ रहा हो, लग रहा हो कि मैं आपको सिलेक्शन वाली वीडियो हूं, तब आगे बढ़ रहा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, कौन सा कथन सही है। सभी साथी फटाफट कमेंट करके बताएं, आपके पास 15 सेकंड है। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें कि कौन सा कथन सही है। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताएं कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अरे यार बताइए मालिक। ठीक है यार, चलिए ठीक है हम ही बताते हैं। तब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा एकदम आराम से, राज्यसभा चुनाव सदस्यों द्वारा के बीच किया जाता है। जी नहीं, यहां उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। अपने कार्यकाल का संपादन करते समय भारत के महान न्यायवादी राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करते। जी नहीं, राज्यसभा का अध्यक्ष केवल भारत का होता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। देखिए प्रधानमंत्री की सलाह पे राज्यसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, यह मनोनीत उपराष्ट्रपति होता है, यह मनोनीत नहीं, यह उप, यहां पे क्या होगा आपका उप राष्ट्रपति, यह निर्वाचित, यह निर्वाचित, ये भी गलत। अब कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्र पदेन अध्यक्ष होता है, एकदम सही जवाब। इसलिए इस दिए गए प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह क्या होगा, ए होगा। जिन साथी मित्रों ने उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है, माने ए वालों का राइट आंसर है, ए वालों का सही जवाब है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जहां भी जो विकल्प समझ में नहीं आया है आप कमेंट करेंगे, मैं उसे दोबारा तिबारा मैं तब तक बताऊंगा जब तक कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। मेरा उद्देश्य केवल केवल आपका से
टाइम से लाइव रहेंगे, मोबाइल में अपने अलार्म लगा के रखेंगे या नहीं, क्या आप चाहते हैं हम करंट स्पेशल की क्लास जल्दी शुरू करें। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? यह पूछ सकता है भारत के पहले राज्यसभा के पदेन सभापति कौन थे? दोनों का उत्तर एक ही होगा। सभी साथी फटाफट कमेंट करें, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। यकीनन आप लोग लगातार इस प्रश्न का उत्तर देते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सभी साथी मित्र देखिए, भारत का पहला एस राधाकृष्णन था और यह भारत के पहले राज्यसभा के पदेन सभापति भी थे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इन्हें यह कहा जाता है ये भारत के पहले पदेन सभापति थे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे अगले प्रश्न की, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिन का होता है? सभी साथी फटाफट कमेंट करें, सभी साथी फटाफट कमेंट करें। भारत के, यार आप लोग संख्या बहुत कम है, क्या हुआ, पढ़ाने में कोई कमी रह गई क्या? क्या ऐसा कारण भैया आप लोगों की संख्या इतनी कम है? देखिए यहाँ पर इसका उत्तर क्या है, 5 वर्ष। क्या होती है 5 वर्ष? हमेशा याद रखिएगा कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है, चाहे उपराष्ट्रपति हो चाहे राष्ट्रपति हो, इन दोनों का अगर कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का ही होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये कहाँ पे दिया गया है, ये संविधान के अनुच्छेद 67 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 67 में कहा गया है कि क्या कहा गया है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये 6 वर्ष। कुछ लोग कह रहे हैं 6 वर्ष जो होता है वो राज्यसभा के सदस्यों का होता है, राज्यसभा के सदस्यों, राज्यसभा या विधान परिषद, या विधान परिषद, या विधान परिषद या राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा, इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। कुछ शिक्षक साथी अभी 6 वर्ष कह रहे हैं, जी नहीं 6 वर्ष नहीं होता, जान लीजिए 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो सभी साथी इस तरह से पढ़ते रहिए क्योंकि सिलेक्शन लेना है, आपको सरकारी शिक्षक बनना है। ठीक है, चाहे एम पी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, इस तरह आप लोग प्रश्न का पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीन शॉट आप लोग क्लिक कर लें। अगला है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संकल्पना किसके द्वारा पेश किया जाएगा? एकदम आसान, एकदम यूनिक प्रश्न है। सभी साथी इस वीडियो को फटाफट कमेंट करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन क्लास से नोट संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो यह ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऑफिस का नंबर है, आप यहां से आप जानकारी ले सकते हैं। मेरी क्लास आपको प्रतिदिन रात 9:30 बजे, अन्य क्लासेज भी निःशुल्क मिलती रहती हैं। इन सभी के लिए आप सभी टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें। जितने साथी हैं अगर अन्य क्लास और फ्री नोट्स, फ्री क्लास चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ जाएं और इस क्लास जुड़िएगा, 9 बजे एकदम राइट टाइम लाइव आइएगा। ध्यान से देखिएगा, उपराष्ट्रपति, देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, दोनों बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, अगर हम राष्ट्रपति की बात करें, इसी के पद से हटाने के लिए चाहे हम लोकसभा में खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कर सकते हैं, माने कहीं से भी हम इसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, क्योंकि वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसलिए यह प्रक्रिया केवल राज्यसभा से प्रारंभ की जाएगी। राष्ट्रपति से, उसके पद से राज्यसभा के द्वारा ही बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसका अगर उप में इसका वर्णन किया गया है, एक बात यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए अगर लोकसभा की बात करें तो केवल 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 और केवल सलाह या सुझाव के लिए होगा, सलाह या सुझाव के लिए होगा। क्योंकि मेन अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसकी सारी प्रक्रिया जो होगी वह केवल केवल राज्यसभा में होगी, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सकती है। वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक बार पहले कमेंट करके बताएं, क्योंकि यह वीडियो केवल नहीं है, यह वीडियो आपके जीवन से संबंधित है, यह आपके सिलेक्शन से संबंधित है, यह वीडियो आपके लाइफ से संबंधित है। क्योंकि यहां से आप केवल टाइम पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आपकी माता पिता को उम्मीद है, आपको बस एक ही एम है, सरकारी शिक्षक बनना। तो आप उस अगर एम पे पढ़ रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा,
कि आपको समझ में आया, अगर जितने साथी मित्र को समझ में आ गया वो वाई कमेंट करें, जिनको नहीं आया वो यन कमेंट करें, हम एक नहीं 1000 बार आपको बताएंगे, तब पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, वीडियो को लोगों तक शेयर करते हैं, वीडियो को स्वयं से लाइक करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे सब अच्छे हों सभी अच्छे हों। एकाध ऐसे भी होते हैं जिनका काम ही कुछ ऐसा ही होता है। ध्यान से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी को समझ में आ गया, थैंक यू। आगे बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। सभी साथी मित्र फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन संविधान के अगर भाग की बात किया जाए तो भारतीय संविधान के, लिखना चाहें तो लिखते भी चलिएगा क्योंकि यह वीडियो निःशुल्क लाइव आपको मिल रही है, संविधान के भाग। अगर दोनों बातें याद रखिएगा, दो प्रश्न आपके तैयार हो गए, किस भाग में है तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा इसकी नियुक्ति करता है। हमने आपको बताया था केंद्र में अगर कोई भी नियुक्ति आती है, आंख मूंद के अब राष्ट्रपति लगाएंगे तो 80% आपका राष्ट्रपति सही हो जाएगा, ठीक है। महालेखा परीक्षक को उसके पद उसकी रीति द्वारा हटाया जाएगा, जिस रीति जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, माने जैसे, ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, वही प्रक्रिया भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी हटाने की है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग अपना रिफ्रेश कर लीजिए, कुछ लोग कह रहे हैं वीडियो साफ नहीं चल रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिएगा, फिर से वीडियो को आगे बढ़ाते रहिएगा, अगर कहीं दिक्कत होगी फिर आपका सही हो जाएगा। रिफ्रेश कर लीजिएगा, नेट बंद करके पुनः चालू करिए, एकदम साफ एकदम HD चल रहा है। अगला प्रश्न आपके बीच है कि भारतीय, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो, 35 वर्ष की पूरी आयु पूरी न कर चुका हो, राज्य के विधान परिषद सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता न रखता हो। यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, एक निवेदन है आपसे, अगर आपको ये लग रहा है ये क्लास आपके देशहित में है, राष्ट्रहित में है, इससे किसी भी करीब वह परिवार जो शिक्षक बनने का सपना सोच रहा है उससे भला हो जाएगा, तो इस वीडियो को एक बार आप शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप के स्टेटस पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में जहाँ पढ़ने वाले लोग हों, अपने साथी मित्रों तक। मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को ज़रूर मानेंगे और कर भला तो हो भला इस अच्छे काम में अपनी भूमिका जरूर अदा करेंगे। देखिए अनुच्छेद 63 कहता है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या कहता है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा, उप राष्ट्रपति होगा। ये कौन कहता है, अनुच्छेद 63 कहता है, जबकि 64 कहता है कि उपराष्ट्रपति उप राष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। अनुच्छेद 66 क्या कहता है कि वह विधान परिषद के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अगर हम 65 की बात करें तो उसे कार्यवाहक राष्ट्रपति, यहाँ पे एक लाइन में हम कह सकते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद अगर आकस्मिक रिक्ति अगर हो जाती है, खाली हो जाती है या उसकी अनुपस्थिति हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यवाहक या निर्वाहक राष्ट्रपति के रूप में उसके कृत्यों का निर्वहन किया जाएगा। ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। समझ में आप लोग को नहीं आया, देखिए मैंने सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया, अगर अभी आपको ना मेरा पढ़ाया हुआ है तो मैं हाथ जोड़ से निवेदन करूंगा, इससे अच्छा अगर पूरे YouTube पे कोई पढ़ा दे तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना कीमती वक्त ऐसे लोगों की वीडियो पे जायज मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको लग रहा है आपकी आत्मा हृदय ये कहती है कि इस वीडियो से आपका चयन हो सकता है, इस क्लास से आपका सिलेक्शन हो सकता है, तभी वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। इसका सारे विकल्प मैंने चारों के चारों आपकी व्याख्या करके बता दिया। देखिए अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के पात्र तभी होगा जब तक वो भारत का नागरिक न हो, मतलब भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा या विधान परिषद की
सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। ठीक है, राज्य परिषद माने राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता, इसलिए इस दिए गए प्रश्न का जो उपयुक्त होगा उस प्रश्न का आंसर सी होगा। तो जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सी बताया उन सभी का जवाब सही होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस एक बार आप लोग कमेंट करके आए क्या आपको समझ में आ गया। यार आप लोग क्लास में बैठे हैं, आनंद लेते रहिए, पढ़ते रहिए और जवाब भी देते रहिए, मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है। पता है जब आप लोग संख्या बढ़ती है, लोग ज़्यादा ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, मुझे लगता है मैं इतनी मेहनत से प्रश्न बैंक तैयार कराता हूँ उसका लाभ आप लोग को मिलता है। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथी, कमेंट करके बताइए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। साथी कमेंट करके बताइएगा, देखिए भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। यहाँ पे दो बातें हैं, पहले देखा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद थे, तीसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। तो मैंने तीनों आपको बता दिया और कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाली अगर इनका देखा जाए तो 13 मई 1967 से लेकर इनकी मृत्यु होती है, 3 मई दो साल के बाद इनकी मृत्यु होती है 1969। कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाली पहले कोई राष्ट्रपति भारत का है तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। तो पहले कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, तीसरे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर पूछा जाए संविधान में अभी तक कुल कितने मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर इससे आसान इससे जबरदस्त अगर कोई क्लास पढ़ा दे तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई सवाल नहीं है ना? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला है आपके सामने, चलिए आज के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास समझ में आ गई होगी। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और नए नए तथ्यों के साथ हम लोग पढ़ेंगे। कल की जो टॉपिक होगी वह एक बार और हम लोग देख लेंगे, उसका अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऐसे अपना बेहतर देते रहिएगा, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ये क्लास प्रतिदिन 9:30 बजे इन लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव चलती है। जी हाँ 9:30 बजे आप लोग अपने मोबाइल में अलार्म लगा लीजिएगा, प्रयास करिए संख्या वृद्धि हो, अगर संख्या कम रहेगी तो मेरे पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं निकलेगा। ठीक है, और ऑनलाइन संबंधित यदि कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद से चलती है और ये पूरी तरह से फ्री क्लास है और आप लोग डेली लाइव आए करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इसी तरह से लगे रहिए, आप लोग अपना बेस्ट देते रहिए। कल के जो टॉपिक है वो हम लोग संसद पढ़ेंगे, कल 9:30 बजे हम लोग की जो टॉपिक है पार्लियामेंट है, संसद है। तो कल की क्लास के लिए आप लोग तत्पर और तैयार हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रत्येक दिन अपने 10 साथियों को इस क्लास में जोड़ेंगे, जिस दिन आपकी संख्या 1000 पार हो जाएगी उस दिन हम आपके लिए एक करंट अफेयर की महाभारत सीरीज शुरू करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। जी हाँ, बाकी सभी क्लासेस के लिए टेलीग्राम पे, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ई लर्निंग विद दुर्गेश, एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में पढ़ाता हूँ। मेरा भी इंस्टाग्राम दुर्गेश सर है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पर भी लाइव चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय। तो भैया कल से आप लोग टाइम से रहिएगा और आपसे एक निवेदन है मेरा भी कि लोगों को जोड़िए, अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुँचाइए, फर्जी चीज़ें लोगों तक पहुँचती हैं, गुमराह करने वाली चीज़ें पहुँचती हैं। और यकीनन मेरी आत्मा हृदय ये कहती है कि मैं आपको जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो उससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।